आधुनिकीकरण की दौड़ में कई वन्य प्राणियों का अस्तित्व खतरे में है, जिस कारण वन्य प्राणी विभाग भी चिंतित हो गया है। इसी के चलते वन्य प्राणी विभाग के सौजन्य से पूरे प्रदेश भर में वन्य प्राणी सप्ताह मनाकर युवा पीढ़ी और स्कूली बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में हमीरपुर में भी वन्य प्राणी सप्ताह कार्यक्रम के तहत वन विभाग द्वारा स्कूली बच्चों के बीच विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में वन्य जीवन पर पेंटिंग प्रतियोगिता तथा वन्य पक्षी अवलोकन के ऊपर प्रतियोगिता करवाई गई। हमीरपुर सदर के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मुख्य अतिथि ने प्रतिभागी बच्चों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर वन्य जीवन प्राणी अरण्यपाल धर्मशाला प्रदीप ठाकुर, वन विभाग के अरण्यपाल हमीरपुर अनिल जोशी सहित कई विभागीय अधिकारी तथा भाजपा नेता उपस्थित रहे। इस अवसर पर विधायक नरेंद्र ठाकुर ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज कई वन्य प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं और अगर हम समय रहते इनके संरक्षण के लिए आगे आएंगे तो ये वन्य प्रजातियां बच सकती हैं। इसके लिए जागरूकता कार्यक्रमों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वन विभाग समस्त प्रदेश में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में इस तरह का आयोजन किया गया है ताकि बच्चों को वन्य जीवन के महत्व को समझाया जा सके। उन्होंने कहा कि मानव ने अपने स्वार्थ के लिए वनों का गलत दोहन किया है। आज वन और वन्य जीवन मानव प्राणी के नितांत आवश्यक है। वाइल्ड लाइफ का हमारी जिंदगी में कितना रोल है ये आप सभी जानते हैं, और वर्तमान में जो हमारी वाइल्ड लाइफ है डे बाई डे कुछ तो ऐसे बर्ड्स हैं और कुछ ऐसे बिग कैट्स हैं, लगता है जैसे जिस ढंग से ह्यूमन उनको नुकसान कर रही है, डैमेज कर रही है, आने वाले समय में वो एक विलुप्त जाति के रूप में हमें देखने को मिलेगी। लेकिन इस तरह के जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं और जैसे बच्चों के आइडियाज़ हमने देखे हैं, तो लगता है कि आने वाले समय में हमारी वाइल्ड लाइफ को कोई ख़तरा नहीं है। जैसे स्नो लेपर्ड है वो आज एक बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन वो इतना खूबसूरत लेपर्ड है, जानवर है कि अगर आप देखोगे तो देखते रह जाओगे आप। तो इस ढंग से जो पुराने हमारे बहुत बड़े जो हम कई चीज़ें हमें देखी हैं जो देखने को मिलती हैं, आज वो हमारी सृष्टि से गायब हैं। तो इस तरह के जो हम पूरे प्रदेश में बच्चों को जागरूक कर रहे हैं और स्वयं भी हमें प्रेरणा मिल रही है, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम जो है हमारी वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। इस अवसर पर वन्य प्राणी उत्तरी विंग के अरण्यपाल प्रदीप ठाकुर ने कहा कि वनों के महत्व के प्रति आने वाली पीढ़ी को जागरूक करने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। उन्होंने जानकारी दी है कि हमीरपुर में शीघ्र ही वाइल्ड लाइफ क्लब का गठन किया जाएगा। हमीरपुर में वन्य प्राणी सप्ताह मनाया गया, जो कि वन विभाग टेरिटोरियल विंग और वन्य प्राणी विंग ने मिलकर मनाया। उसमें 5 स्कूलों के बच्चे और नेरी जो यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री कॉलेज है उसके बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और बच्चों ने बहुत अच्छी जो पेंटिंग्स की स्लोगन्स का था, और इससे पहले सुबह उन्होंने बर्ड वॉचिंग की। और ये जो कार्यक्रम है इसमें ये देखा गया कि बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और बहुत अच्छी जानकारी बच्चे जो हैं वो नेचर वन्य प्राणी वनों के बारे में रखते हैं। वन विभाग ने यहाँ पे हमीरपुर में बर्ड वॉचर क्लब बनाने की भी निर्णय लिया है, जिसमें जो भी पर्यावरण प्रेमी हैं, जो वन्य प्राणियों के बारे में पक्षियों के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं, स्कूल के बच्चे हैं, बुद्धिजीवी हैं, उन सबको इसमें शामिल होने के लिए आह्वान किया। और वनों को वन्य प्राणियों को बचाने के लिए बच्चों को जागरूक किया,